एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों पर गृह मंत्री बाला बच्चन ने तत्कालीन बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल के आंकड़े अब निकल करके सामने आ रहे हैं। उस समय जब हम विपक्ष के नाते मुद्दों को उठाते थे तो शिवराज सिंह चौहान मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वहीं गृह मंत्री ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर के बीजेपी की तैयारियों को लेकर के कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पर अच्छी बहस हो और हम चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो। विपक्ष को अपना रोल सकारात्मक आत्मकता से निभाना चाहिए। 2008 से 2013 की जो टर्म थी विधानसभा की, 2013 से 2018 की जो टर्म थी विधानसभा की, मैं इन मुद्दों को अपोजिशन के नाते में उठाता था मेरी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के विधायक साथियों के साथ में। तो शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार मानने को तैयार नहीं थे। ये देख लीजिए, सारा आईना सामने आ रहा है कि उनके कार्यकाल के जो आंकड़े देख लीजिए, सब अपने आप बयां करते हैं। तो कैसी सरकार, कैसी व्यवस्था उनने जो चलाई थी, ये स्पष्ट हो रहा है। जो अभी ये जो सरकारी अभी जो रिकॉर्डेड आंकड़े जो एनसी अभी जो आंकड़े जो आ रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है जो आपने पूछा है। हम भी ये चाहते हैं कि वो विपक्ष का अपना अपना काम, अपना रोल अदा करे और वो सरकार से जाने। ये माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्री और उनके मंत्री और ये मुख्यमंत्री हैं, हम सब की पूरी तैयारी। और हम भी ये चाहते हैं कि सब मुद्दे उठे और अच्छे से चर्चा हो विधानसभा में और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का सरकार के द्वारा भला हो, विकास हो, तरक्की, नवनिर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, ये हम भी चाहते हैं। विपक्ष को अपना रोल सकारात्मक अदा करना चाहिए। हम सभी बातों का जवाब देने के लिए और उनकी बातों का और उनके सवालों का सामना करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम तैयार।